है टाइम्स 18 न्यूज खबर आपके मतलब। आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। 27 साल बुरा हाल, लगातार 14 दिनों तक बनवास झेल चुके गरोठ वासियों को आज भी जिले की आस। कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन गरोठ को जिले का सपना दिखाकर केवल वोटों की राजनीति की गई। क्या कारण रहा कि आज तक गरोठ जिला नहीं बन पाया? आखिर क्यों? क्या गरोठ की भौगोलिक स्थिति इस लायक नहीं कि गरोठ जिला बन सके? गरोठ की जनता ना भाजपा की है ना कांग्रेस की, फिर क्या कसूर जनता की? देखें ये खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता राकेश ग्वाला के साथ। 27 साल बुरा हाल, लगातार 14 दिनों तक वनवास झेल चुके गरोठ वासियों को आज भी जिले की आस। विगत 27 सालों से गरोठ को जिला बनाने की मांग बदस्तूर जारी है। कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन गरोठ को जिले का सपना दिखाकर केवल वोटों की राजनीति गई। क्या कारण रहा कि आज तक गरोठ जिला नहीं बन पाया? और क्यों? सवालिया निशान। क्या गरोठ की भौगोलिक स्थिति इस लायक नहीं कि गरोठ जिला बनाया जा सके, या राजनेताओं की आधारहीन मानसिकता ने गरोठ को जिला नहीं बनने दिया? गरोठ की जनता ना भाजपा की है ना ही कांग्रेस की, क्या कसूर है यहां की जनता का? जनता ने दोनों पार्टियों को मौके दिए, लेकिन दोनों ने जनता की मांग और उसके भोलेपन का केवल फायदा उठाया, जिसके चलते आज तक गरोठ का समुचित विकास नहीं हो पाया। गरोठ को जिला बनाने की मांग सन 1992 में छात्र संघर्ष समिति द्वारा उठाई गई थी, जिसने आगे चलकर एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया था। यह आंदोलन पहले शांतिपूर्वक चला, लेकिन राजनेताओं की कूटनीति का इस आंदोलन को शिकार होना पड़ा। पूरा गरोठ 14 दिनों तक दहशत में रहा, और आमजन पर जो जुल्म प्रशासन ने उस समय किए, वो जनता आज तक नहीं भूल पाई। जैसा कि 26 साल पुरानी हम लोगों की मांग है, और अगर जिला बनता है तो क्षेत्र का समुचित विकास होगा, यहाँ पे नई योजनाएं आएगी और क्षेत्र में नए ऑफिस खुलेंगे, बेरोजगारी दूर होगी। और अगर जिला नहीं बनता है तो मेरी जहाँ तक ना है कि ये देखा जाए तो क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपेक्षा रहेगी, जो यहाँ की जनता 26 साल से मांग कर रही है, न्याय नहीं होगा। इसलिए मांगे और गरोठ क्षेत्र के सभी लोगों की मांगे, सारे व्यापारियों की मांगे, गरोठ जिला बनना चाहिए, ताकि यहाँ का व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अदर जितने भी संस्था हैं उन सबका डेवलपमेंट हो। पर्यावरण के क्षेत्र में देखा जाए तो गरोठ भानपुर में बहुत बड़ी यहाँ पर एक उपलब्धियाँ हैं। देखा जाए तो हमारा भानपुरा क्षेत्र, धर्मराजेश्वर, कोला डूंगर, ऐसी इस क्षेत्र में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं पर्यावरण की दृष्टि से भी, तो जिला बनना चाहिए, यही हमारी मांग है। आपका शुभ नाम? कुलदीप छाजेड। 14 दिन गरोठ लगातार बंद रहा, लेकिन आमजन की वाजिब मांग और उनके धैर्य का नेता मजाक बनाते रहे, और सैकड़ों लोगों पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। समय बीतता गया और उन 27 सालों में 11 नए जिलों का गठन हो गया। एक बार फिर गरोठ की जनता को जिले की दरकार है। उस दौर में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इतनी सक्रियता नहीं थी जो आज 27 सालों बाद है, लेकिन आज जब मीडिया की सक्रियता बढ़ चुकी है तो जनता निष्क्रिय नजर आ रही है। वो समय आज भी याद आ जाता है जब दमन पूर्वक शांतिपूर्ण आंदोलन को उग्रता का अमली जामा पहनाकर कुचल दिया गया। आप विकास के नाम पर जोर जनता के हितैषी हैं तो क्यों गरोठ जिले की घोषणा नहीं करते? क्या जनता की मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना शासन का काम नहीं है? क्या जनता की मांग को सुनना शासन का काम नहीं है? क्या जनता की समस्या का समाधान करना शासन का काम नहीं है? अगर है तो क्यों गरोठ आज विकसित नगरों की गिनती में नहीं आया? क्यों गरोठ जिला नहीं बन पाया? क्यों एक साल तक उस कॉलेज में आज भी 3 प्रोफेसर ही हैं जो कॉलेज की स्थापना के समय से हैं, और आज तक वो 3 ही पूरे कॉलेज को संभाल रहे हैं? क्या शिक्षा देंगे हम आपके बच्चों को, जहां आप मध्य प्रदेश को विकसित राज्यों में गिनवाते हैं? चिकित्सा में हॉस्पिटल रेफर हॉस्पिटल है, फिर चाहे मरीज रास्ते में ही क्यों ना दम तोड़ दे। व्यापार की स्थिति तो देखने लायक है, सारे नेता व्यापारी, फिर भी गरोठ का व्यापार खत्म की कगार पर है।
कोई भी स्थिर और फिक्स आमदनी नहीं है कि व्यापार को आर्थिक रूप से मजबूती मिल सके। चार युवाओं को रोजगार के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया आज तक प्रशासन की ओर से, क्यों? वहीं आप कह रहे हैं कि युवाओं को उद्योगपति बनाना चाहिए, तो कैसे बनेंगे युवा उद्योगपति? सब ये चाहते हैं कि जिला बने, कि जिला बनेगा तो फैसिलिटी हमें अवेलेबल होगी। अभी फिलहाल कोई फैसिलिटी है नहीं यहाँ पे, ये फ्लाई वगैरह लगा के हम लोग काम चला रहे हैं, तो कम से कम जिला बनेगा, कम से कम किसी का भला हो नहीं हो लेकिन हमारा तो भला होगा। फाइबर लगेगा और भी अलग भी बाकी जो जो है बाकी क्षेत्र उनमें भी तरक्की होगी, जरूरत तो है जिला बनने की। और इसके अलावा जैसे जिला बन गया तो काफ़ी कुछ रोज़गार भी बढ़ेंगे, नौकरियाँ जो अभी जो बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं वो लोग नहीं जाएंगे, यहीं पे पढ़ेंगे। अच्छे कॉलेज अगर यहाँ पे मिलते हैं तो वो लोग यहीं पे पढ़ेंगे, अदरवाइज़ जो काम के लिए बाहर जा रहे हैं जैसे इंदौर वगैरह जाते हैं, यहाँ के बच्चे ज़्यादातर इंदौर ही जाते हैं, इंदौर उज्जैन, तो वो लोग बाहर नहीं जाएंगे। अगर यहाँ पे जिला बन जाएगा तो यहीं पर रोज़गार मिल जाएगा उन लोगों को। आपका शुभ नाम? रोहित नरवाल। मंदसौर गरोड़ से टाइम्स 18 न्यूज़ के लिए राकेश ग्वाला की ये खास रिपोर्ट। ये है टाइम्स 18 न्यूज़, खबर आपके मतलब की।